तानिया क्या नाम लिया तुमने? रामू। वो मेरे मुंह से ना गलती से निकल गया। सारा दिन रामू को काम के लिए आवाज लगानी होती है ना, रामू ये कर दो, रामू वो कर दो, तो मुझसे गलती से निकल गया, जबान फिसल गई मेरी। अरे तो तुम रामू को काम पर बुलाओगी तो यही बोलोगी ना, रामू ये कर दे, रामू खाना लगा दे, रामू वो कर दे। मैंने तुम्हें छेड़ा था, चुटकी भरी थी। हो सकता है रामू तुम्हें छेड़ता हो इसलिए तुम्हारे मुंह से निकल गया हो। नहीं, मैं बोल तो रही हूँ मुझसे गलती से निकल गया। तुम भी कहाँ मका मुझ पर शक कर रहे हो, और जब से तुमने ये अपने फॉरेंसिक की जॉब ज्वाइन करी ना, तुम मुझ पर बहुत शक करने लग गए हो। हाँ यार, हो सकता है ये फॉरेंसिक की जॉब ना मेरा डाइवोर्स करा के मानेगी। खैर, मैं तुम्हें ये बोलने आया था कि मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ, तो तुम्हें बाय बोलने आया था। ठीक है, बाय। बाय। हेलो रामू, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो हमें कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना मेरा असली रिश्ता तोड़वा देगा और मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। आज गलती से मैंने ना तुम्हारा नाम ले लिया और तुम्हारे साहब मेरे सामने खड़े थे। तुम एक काम करो, 2 महीने के लिए ना अपने गाँव चले जाओ। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा ना, मैं तुम्हें बुला लूँगी। ठीक है, तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत होगी ना, मैं वो सब अरेंज कर दूंगी, लेकिन अभी तुम गांव चले जाओ। ठीक है, चला जाओ। शुक्र है आज तो बच गई। तुम ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, आज ऑफिस जाने का मन नहीं था। इनफैक्ट मेरे तो घर में ही रहने का मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि मर जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें बता दूं, जब मैं ऑफिस जा रहा था ना, तुम अपना फोन ना टेबल पर ही भूल गया था। ठीक है, बाय। बाय। और तुम्हें पता है, कॉल पर ना मेरा ड्राइवर था और उसके फोन में ना रिकॉर्डिंग सिस्टम था। उसने ना मुझे तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग सुना दी कि तुम रामू से क्या क्या बात कर रही थी। अरे ड्राइवर, गाड़ी निकालो, डॉक्टर शाम के वहां चलना चेकिंग के लिए। अरे साहब, दूसरे की चेकिंग बाद में करना, पहले अपने घर की चेकिंग तो करो। क्यों, क्या हुआ? वो बात ऐसी साहब, जब आप ऊपर गए थे ना, तब हम दोनों की बात फोन पर हो रही थी ना। हाँ। उसके बाद संजोग से साहब आपका फोन ऊपर छूट गया। उसके बाद आपके नौकर और आपकी वाइफ के बीच में जो कुछ भी बातचीत हुई ना, वो मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गई है। शुक्र मनाओ भगवान का, मेरे फोन में रिकॉर्ड फैसिलिटी है। लो जरा सुन लो आप। हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो हमें कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा शक सही था, मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। जी साहब। तुम एक काम करो, आज अपने घर पे चले जाओ, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, आज मैं इसी से बात कर लेता हूँ। ठीक है साहब। जेमी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी। बहक गई थी? अरे तुम दूध पीती बच्ची हो क्या? मैच्योर हो। तुम्हें ना पता था कि तुम ये सब ना गलत कर रही हो, लेकिन तुमने ये सब कुछ ना अपने मजे के लिए किया। अब तुम्हारे पास ना 1 महीना है, क्योंकि मैं ना तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। अब तुम किसी के भी साथ रहो, जो मन करे वो खाओ, जहाँ रहना रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। डिवोर्स के पेपर ना मैं रेडी करवा रहा हूँ।